बुड़गुम बुंगा, आगड़ बम बागड़ बम बम का सारा पानी लोटे में आओ मेरा जो सब्सक्राइबर पानी पी रहा होगा जो भी उसका भी सारा पानी इसके अंदर आ जाओ मेरे अंदर का भी सारा पानी इसी में आ जाओ दुनिया का सारा पानी लोटे में बुण, बुण, आ जाओ ओम हु तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो लोटे में कोई भी कनेक्शन नहीं है कोई भी पाइप कनेक्ट नहीं है यहाँ पे मैं इस छल्ले के द्वारा आपको इसमें चारों तरफ अच्छे से घुमा के दिखा दे रहा हूँ लोटो लोटा जो है वो किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है यहाँ पे मैं बस थोड़ा अपना मैजिक कर रहा हूँ थोड़ा हाथ घुमा दे रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो तो मेरे हाथ में भी कोई पाइप नहीं लगा है यहाँ तक कि मेरे पैंट में भी नहीं घुस है कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है अभी आप देखोगे कि इसमें जादू से पानी फिर से आ जाएगा जैसा कि मैंने पानी भगोने में गिरा दिया था पूरा का पूरा अभी जादू से इसमें पानी फिर से आ गया है तो यहाँ पे मैं आप लोग को गिरा के भी दिखा दे रहा हूँ और फ्रेंड्स मैं वीडियो को थोड़ा सा भी स्कीप नहीं करूँगा बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो चलेगी आप भी कंटिन्यू देखना वरना आपको ये फेक वीडियो है यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ भी इसमें कनेक्शन नहीं किया कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं किया जो भी है आपके सामने है तो यहाँ पे चलो फिर से आप लोग को दिखाने के लिए एक बार मैजिक करता हूँ ओम हुम बा गुम बा गुम बा सब्सक्राइबर का सारा पानी इसमें आओ आगड़ बम बागड़ बम बुम जो भी पानी पी रहा है इसमें आ जाओ मेरे अंदर का भी सारा पानी आओ दुनिया का सारा पानी इसमें आ जाए भगोने का पानी इसमें आ जाए पूरा लोटा फिर से भर जाए जितना भी पानी खाली हुआ है तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरे हाथ में कहीं से भी कोई भी पाइप कनेक्ट नहीं है जिससे कि ऊपर से मैं लोटे के भर दे रहा हूँ या फिर मेरे पैंट में कोई कनेक्शन नहीं है मेरे शर्ट में नहीं है मैं चारों तरफ आपको अच्छे से घुमा के दिखा दे रहा हूँ फिर भी यहाँ पे आप देखोगे जादू से इसमें पानी फिर से आ गया है यहाँ पर आप देख सकते हो मेज में भी कोई पाइप कनेक्ट नहीं है जो कि लोटे के थ्रू कनेक्टेड हो तो अभी आप देखोगे कि सारा पानी फिर से इसमें आ गया है अभी मैं आपको पानी को दिखा गिरा के भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आप देख रहे हो मेज़ पे भी कोई कनेक्शन नहीं है जो कि लोटे में कनेक्ट हो तो चलिए मैं फिर से इसका पानी गिरा के दिखा दे रहा हूँ तो जैसा कि देखा फ्रेंड्स कोई भी कनेक्शन नहीं है जादू से बार बार पानी इसमें आ जा रहा है तो अभी फ्रेंड्स चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं देखते हैं ये चीज़ कामयाब होता है कि नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी कनेक्शन नहीं है बस एक बार लास्ट बार मैं आप लोग को और दिखाने जा रहा हूँ इसके बाद मैं आप लोग को इसकी ट्रिक समझाऊँगा तो चलिए मैं आपको इसका पूरा कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ कहीं से भी कोई कनेक्शन इसमें नहीं है मेरे हाथों में भी नहीं है कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है बस मैं थोड़ा सा अभी आप लोग को दिखावे के लिए थोड़ा मंत्र पढ़ दे रहा हूँ ओम मुंबा वड़गुम्बा और आगड़बम बागड़बम बूम खैर इसका कोई मतलब नहीं है मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा कि इस ट्रिक को मैंने कैसे किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से सारा पानी जो है इसके अंदर आ गया है बार बार पानी आएगा तो चलिए अब जानते हैं कि इस ट्रिक को हम कैसे करेंगे और इस लोटे में हमें कौन सा सिस्टम करना है और हमें इसे किस तरीके से बनाना है जैसा कि अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने एक लोटे में पानी लिया था और उस पानी को मैं पूरी तरीके से खाली कर दे रहा था लोटे में से लेकिन वो पानी क्या है लोटे में बार बार फिर से अपने आप आ जा रहा था तो फ्रेंड्स आज मैं इसी ट्रिक को करना बताऊंगा इसमें हमें लोटे में कुछ चेंजेस करने होते हैं जो कि हमें लोटे के अंदर बनाना होता है तो चले फ्रेंड्स अभी देखते हैं कि लोटे में वो कौन से चेंजेस है और इस जादू को हम कैसे करते हैं ताकि आप भी इस जादू को लोगों तक दिखा सके अपने घर में लोगों को दिखा सकें अगर आप भी जादू दिखाने के शौकीन है उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो चले फ्रेंड्स अभी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हम इस जादू को कैसे करते हैं तो चल फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंडोज ऐप के बारे में जहां पे आप 70 से ज्यादा गेम खेल के जीत सकते हो ढेर सारा इनाम हर दिन यहां पे आप फ्री फायर एंड कॉल बिट्टी जैसा गेम का टूर्नामेंट भी खेल सकते हैं इधर विंडोज वर्ल्ड वॉर में गेम के टूर्नामेंट होते हैं जहां पे आप गेम जीत भी सकते हैं या हार भी सकते हैं तो फ्रेंड्स यहां पे क्या है कि जैसे आप लाखों का इनाम जीत सकते हैं तो खेलना जरूर क्योंकि पहला जो तो गेम है वो बिल्कुल फ्री है विंडोज पे विंडोज स्टोर भी है जहां से आप फ्री फायर लॉर्ड मोबाइल एंड माइनक्राफ्ट जैसे गेम के करण से भी बाय कर सकते हैं काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ इसी के साथ कम प्राइस में आपको गिफ्ट वाउचर एंड सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है डिस्काउंटेड रेटेड पर और विंज़ो वॉलेट से जीता हुआ अमाउंट आप इजीली विदड्रॉ कर सकते हो अपने पेटीएम यू पी एंड बैंक अकाउंट में तो फ्रेंड्स इंतज़ार किस बात की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें विंजो और मेरे तरफ से आपको मिलेगा पचास का बोनस तो दोस्तों हमको सबसे पहले करना क्या है इस तरीके का है, हम एक तांबे का लोटा ले लेते हैं अगर आपके पास किसी और मेटल का हो या फिर मिट्टी का लोटा हो तो भी चलेगा मैं तांबे का इसलिए कराऊँ क्योंकि तांबे का लोटा जादू दिखाने के लिए थोड़ा ठीक लगता है देखने में तो अभी आपको यहाँ पे एक गिलास ले लेनी है जो कि तांबे के जो ऊपर वाला यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो इसका मुंह है इसके ऊपर गिलास फिट बैठ जाए हालांकि मेरा गिलास अभी थोड़ा छोटे आकार का ये फिट नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको इसे फिट करने का तरीका बता दे रहा रहूँ कि इसे फिट कैसे करना है तो यहाँ पर मैंने पी पाइप का एक सीट काट लिया है प्लास्टिक का और यहाँ पे मैं गिलास के आकार का एक गोला खींच ले रहा हूँ और इसके थोड़ा सा ऊपर मैं एक और गोला खींच रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पे मैंने दो गोले बना लिए हैं अभी हमको क्या करना है कि इस प्लास्टिक की सीट को हमें वहाँ से काट के निकाल देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसे कटिंग करके निकाल दिया है और ये गोला जो है वो ऊपर से कट है ताकि हम इसे छोटा बड़ा कर सकें क्योंकि अभी ये जो गोला है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो अभी हम क्या करेंगे इस गोलों को तांबे के ऊपर हम यहाँ पर रख देंगे और ग्लास इसके अंदर डाल देंगे अभी जहाँ से हमने कट किया है जो हमने प्लास्टिक का गोला बनाया इसको एक के ऊपर एक चढ़ा के हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसे अंदर की ओर इस तरीके से हम थोड़ा ग्लास के पास ले आके इसका नाप ले लेते हैं तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो गोला हमारा छोटा हो गया है तो अभी हम गोले के जहाँ पे हमें जितना साइज चाहिए वहाँ पे हम मार्कर लगा के इसे हम काट लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने वहाँ पे मार्कर लगा दिया है और अभी मैं यहाँ पे इसे कट कर दे रहा हूँ तो अभी इस गोले का आकार जो है वो थोड़ा छोटा हो गया है तो हमको क्या करना है यहाँ पर फेबिक क्विक लगा के हम इसे चिपका देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम क्विक लगा के इसे चिपका दे रहे हैं ताकि इसका आकार थोड़ा छोटा हो जाए अभी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है तो अभी हमको क्या करेंगे ग्लास की पेंदी पे हमें इसे चिपका देना है ऊपर की पेंदी पे तो इसको चिपकाने के लिए हम क्या करेंगे फेबिक्विक से इसे हम चिपका देंगे और फेबिक्विक से चिपकाने के बाद हम यहाँ पे इसे ग्लूगन से भी चिपका देंगे बिल्कुल अच्छे से हमें सील कर देना है ताकि यहाँ पे कोई भी एयर लीकेज ना रह जाए और ये थोड़ा मजबूत भी हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने ग्लूगन लगाई थी वो अच्छे से मजबूत हो चुका है और यहाँ पे कोई भी एयर लीकेज नहीं रहनी चाहिए तो ये कुछ इस तरीके दिखेगा अब हमको क्या करना है इसे हमें लोटे में फिट कर देना है तो अभी आप नाप लेकर देख सकते हो तो नाप बिल्कुल हमारा सही है अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम एक निशान लगा देते हैं और गिलास के पेंदी पर भी हमें एक नीचे के साइड में एक निशान लगा देना है ध्यान रखना है लोटे में ऊपर क्यों निशान लगेगा और गिलास में नीचे क्यों निशान लगेगा तो अभी यहाँ पे हमें निशान लगा के यहाँ पे हमें एक बड़ा और एक छोटा होल कर देना है तो सबसे पहले हम छोटा होल जो है वो लोटे पर करेंगे और जो बड़ा होल है थोड़ा सा बड़ा हमें करना है ये हमें गिलास पर करना है तो यहाँ पर हमने दो होल कर दिए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लास पे बड़ा होल है और लोटे पे छोटा होल है तो अब हमको क्या करना है इस ग्लास को हम लोटे में फिट कर देंगे इस जगह पे तो ये जो जादू है एक साइंस के सिद्धांत पे काम करता है मैं आप लोग को आगे बता दूंगा तो एयर लीकेज नहीं रहनी चाहिए इस वजह से यहाँ पे मैं इसे ग्लूगन से चिपका रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी एयर लीकेज नहीं है इस बात का आपको ध्यान में देना है तो अभी ये हमारा जो लोटा है वो जादू करने के लिए बिल्कुल अच्छे तैयार हो चुका है तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये काम किस तरीके से करता है तो मैं वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करूँगा ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है ग्लास में इस तरीके से पानी भरना है और आप देखोगे ग्लास का पानी अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा तो ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि जो ग्लास का पानी है वो नीचे जो हमने ग्लास में जो होल किया है वहाँ से पानी जो है लोटे में आता है यानी कि ग्लास का पानी हमारा धीरे धीरे लोटे में भरा जाएगा यानी कि हमें दिखेगा नहीं लेकिन जो पानी है वो लोटे में आ रहा है तो अभी जैसे ग्लास के पानी के लेवल कम हो जाए आप इसमें और पानी डालोगे आप इसमें तब तक पानी डालोगे जब तक लोटा पूरी तरह भर न जाए और यहाँ पे आप देख सकते हो लोटे के साइड में जो छेद हमने किया था वहाँ से पानी गिर रहा है इसका मतलब लोटा भर चुका है तो हम क्या करेंगे पानी को थोड़ा कम कर देंगे तो अभी ये जादू दिखाने के लिए पूरी तरीके से कम्प्लीट है हमको क्या करना है हमारा जो हाथ का जो अंगूठा होता है उस अंगूठे से इस छेद को हम ढक देंगे ताकि यहाँ पर जो एयर जो पास हो रहा है वो रुक जाए और ग्लास का सारा पानी हम इस तरीके से गिरा देंगे तो अब हम क्या करेंगे जैसे ही हम छेद को छोड़ेंगे तो जो लोटे में जो पानी भरा है वो पानी गिलास में आने लगेगा तो अंगूठे को हम छेद में जो दबाए हुए थे उस वजह से क्या था कि एयर जो है वहाँ से नहीं ले पा रहा था जिसकी वजह से ग्लास में पानी नहीं आ रहा था जैसे ही मैंने छेद को छोड़ा है वैसे ही लोटे का पानी ग्लास में आने लगा है अभी ये थोड़ी देर में यहाँ पर ग्लास में पानी भर जाएगा तो आपको क्या करना है तब तक आप थोड़ा सा इस तरीके से जादू की तरीके से अपना हाथ हिला सकते हो उस पर कोई मंत्र पढ़ सकते हो जो भी आप बनाए हो और आपको ध्यान देना है जादू को दूर से दिखाना है ज़्यादा पास से नहीं दिखाना है वरना लोग समझ जाएंगे अब आपको क्या करना है फिर से इस ये जो हमने लोटे पे होल बनाया था यहाँ पे अपने अंगूठा रख देना है और इसकी जो एयर को वो वहाँ से बंद कर देनी है और फिर से हम इसका सारा पानी गिरा देंगे अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैं होल को छोड़ूंगा यहाँ पे फिर से लोटे का पानी गिलास में वापस से आना शुरू कर दिया है तो ये कुछ इस सिद्धांत पे काम करता है तो एयर का सप्लाई न मिलने के कारण जो है गिलास में पानी नहीं आ रहा था जैसे ही मैंने एयर को छोड़ा गिलास में पानी आने लगा तो ये कुछ इस तरीके के विज्ञान के सिद्धांत पर काम करता है तो वैसे तो दुनिया में जादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती मैं इस पर यकीन नहीं करता हूँ ये केवल हाथ की सफाई होती है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है इसे और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लास दिख रहा है जो कि अच्छी बात नहीं ग्लास दिखना नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम इसे ब्लैक पेंट कर देंगे क्योंकि जब भी आप किसी तांबे को लोटो के अंदो, अंदर अंदर की ओर देखोगे तो वो ब्लैक लगता है तो इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया है ताकि ये थोड़ा रियल लगे और आपको ध्यान देना है जादू को ज़्यादा पास से नहीं दिखाना है वरना लोग समझ जाएंगे कि लोटे में कुछ सिस्टम बनाया हुआ है आप ध्यान देना कि आपको दूर से जादू दिखानी है तो इस बात का आपको ध्यान देना है तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को हमारा ये जादू जरूर से अच्छा लगा होगा मेरा ये ट्रिक जरूर से अच्छा लगा होगा अगर आप लोग को ये ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत